Assalamualaikum viewer, मैं हूँ एमी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो स्ट्रीट टाइम। और आज हम कहाँ मौजूद हैं? आज हम बड़ी जबरदस्ती जगह मौजूद हैं जो मेरी बहुत फेवरेट है और उसका नाम है गेट फिट हेल्थ क्लब। जी हाँ, जैसे कि अपने नाम से ही लग रहा है कि यू मस्ट बी गेट फिट, और अगर आपको फिट होना है तो आपने यहाँ आना ही है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे मौजूद तमाम वो चीजें जो आपको फिट रख सकती हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आदमी स्ट्रीट टाइम की टीम आज मौजूद है यहाँ पे, और आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए आज हम बात करेंगे गेट फिट हेल्थ क्लब में मौजूद लोगों से कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पे और कब से आ रहे हैं। तो आज मेरे साथ चलते हैं अंदर। जी वीवर्स, और यहाँ जिस तरह के आप देख रहे हैं, तमाम तर ख्वातीन लगी हुई हैं जॉगिंग करने के लिए, और यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ इस जिम की ओनर और ट्रेनर। वो हमें बताएंगी, ब्रीफ करेंगी कि किस तरीके से वो इस जिम को रन कर रहे हैं और क्या एक्टिविटी यहाँ पे उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अस्मा। अस्मा, अस्मा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताइएगा कि गेट फिट ये इंस्टीट्यूट यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ आप बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा है कि ट्रेन कर रही हैं और काफ़ी कंसर्न है इनके वेट को लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, किस तरह से आप ये काम कर रही हैं, कितने अरसे से कर रही हैं और किस तरह से इनको प्लान करती हैं? तकरीबन 7 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और इस प्लान क्या है, नॉर्मल प्लान नहीं था ये, सिर्फ इंटरेस्ट था मेरा जिसको प्रोफेशन बनने के लिए टाइम लगा। मीन 7 ईयर्स अगो मैं खुद जाती थी जिम्स में, और मतलब एक होता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी उसको देखकर, तो इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ इसी फील्ड के अंदर, फिर सोचा कि इसको प्रोफेशन बना लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई ऐसी खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि मुझे आगे आने से रोकता कोई। okay. तो हाँ, सपोर्ट थी बहुत, मेरे हस्बैंड की भी बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से एक माइंड बना, और माइंड बन के पहले मैंने जॉब्स की 2-3 जिम्स के अंदर, उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो खोला एक छोटा सा सिंधी मुस्लिम पे। स्टूडियो में आप तकरीबन 2.5 ईयर्स मैंने स्टूडियो पे वुमेंस को फिटनेस क्रॉसफिट क्लासेस दी हैं, और वो क्लासेस के बाद फिर उन्हीं फीमेल्स के घर से थोड़ी वो आने लगी, आप एक मोटिवेशन भी साथ मिल रही थी, और उन्हीं फीमेल्स के घर से थोड़ी रिक्वायरमेंट भी आ रही थी, आप अगर मेल्स को भी ट्रेनिंग साथ दे दें या मेल्स का भी कोई सेटअप बना लें तो बेटर है, क्योंकि उनको यहाँ से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था उनके वेट को लेकर, और हर एक वेट के लिए नहीं आता है, हर एक का एक बैकग्राउंड अलग होता है, कोई से खुश रहने आता है, कोई से पीस माइंड पीस बॉडी के लिए आ रहा होता है, तो हर एक का अलग अलग अपना होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक किसी कम्युनिटी चाहते हैं या ऐसा कोई लाइफ सेटअप चाहते हैं जहाँ वो जाके अपने आप को फ्रेश फील कर सकें और खुश। जिन्हें नहीं पता होता क्या है, किस तरह से आपने, क्या कर रहे हैं ये लोग, कितना किसको रन करना चाहिए? ये इलेप्टिकल है, ये एक फास्ट कैलोरी बर्नर भी है, और दूसरा ये स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा देती है आपको, कि इसमें आपको स्टेमिना बढ़ता है आपका, जितना आप हार्ड एंड फास्ट इसको इस पर परफेक्ट होते रहते हैं उतना बेटर स्टेमिना डेवलप होता रहता है। ये सबको पता है ये ट्रेडमिल है, और ये रनिंग प्रैक्टिस है, कैलोरी बर्नर भी है, फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है, हिट कार्डियो, इसको हर चीज़ कह सकता है कि ट्रेडमिल है, ठीक है। नॉर्मली ये एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर पे कितनी देर आप रिकमेंड नहीं होता? देखो इसमें ना आपका हार्ट का रेशियो होता है, जैसे एक हार्ट नॉर्मली
220 टाइम्स धड़कता है, मगर हम इसको अपनी एज के हिसाब से, हम अपनी जितनी हमारी एज है हम उस एज से 220 को माइनस करते हैं, जो हमारा उसमें जो फिगर आता है उस फिगर तक हम अपने हार्ट को लेके जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। इसके बाद जो है तो आप कहें कि थोड़ा डेंजर जोन में चला जाता है, लेकिन अमूमन इससे ज़्यादा इंसान भाग ही नहीं सकता, उसकी हाथ की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो एक मिनट में इतनी ही टाइम पर पंप हो सकता है। जी वीवर्स, सिंधी मुस्लिम में गेट फिट जिम में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जो ट्रेनर मौजूद हैं उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि वो किस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह उनके आगे फ्यूचर में प्लान है। तो आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमेर। यस ओके उमेर, आप यहाँ ट्रेनर हैं? जी मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। अच्छा उमेर, मुझे बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं और फिटनेस में कब से आप काम कर रहे हैं? बेसिकली मुझे फिटनेस में 3 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ पर एक्चुअली हमने रिसेंटली ये अपना एक प्रोजेक्ट किया था, इससे पहले हम लोग कहीं और थे। सो 3 मंथ्स बैक हमने ये गेट फिट हेल्थ क्लब जो बना है, न्यू है बिल्कुल। सो बेसिकली जो हमारा जो विजन है फिटनेस के रिलेटेड वो ये है कि लोगों में फिटनेस की अवेयरनेस दें और जो मिथ्स हैं, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं हमारे और लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, तो ये वो प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें कोई एज ग्रुप ना हो, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर इन फिटनेस, और वो एनवायरनमेंट हो जिसमें आप मतलब रिलैक्स भी हों, मेंटल हेल्थ भी उनकी और उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। बेसिकली हमारा जो मोटो है वो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि आजकल जो आपको पता है जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा हैक्टिक रूटीन है लोगों की और इसमें अपने आप को ओवरकम करना, फिर डिजीज़ ओवर दिस एंड डाइट, ये बहुत सारे मसले चल रहे हैं। तो हम लोगों का बेसिक जो मोटो यही कि एक तो ड्रग फ्री, लोगों को ड्रग फ्री रखें और वो हर वो फैसिलिटी दें जिनसे उनको बेनिफिट मिले, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि फिटनेस लाइफ, लोगों के बड़े जहन में एक अजीब अजीब सी चीज़ें हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत मेंटेन करना इसको बड़ा मुश्किल है और आजकल के हैक्टिक रूटीन में, तो आप किस तरह इसको मेंटेन कर पाते हैं या लोगों को एडवाइस करेंगे? मेरी जो सजेशन है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है फिटनेस रिलेटेड, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर है, देर आर अलॉट ऑफ इंडिविजुअल, किस कोई यहाँ पर आता है जस्ट फिटनेस के लिए, मतलब उनको मसल बिल्डिंग नहीं करनी है या उनको मतलब यहाँ को कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना, कुछ भी नहीं, दिस एंड दैट, लेकिन उनका जो मोटिव है वो सिर्फ ये होता है कि जो हेक्टिक रूटीन या जिस लाइफस्टाइल से वो जी रहे हैं वो सिर्फ अपनी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जिम आके अपने आप को 40 मिनट्स 30 मिनट्स दे के अपने आप को रिलैक्स करते हैं और वो मतलब उसके बाद उनका मतलब जो लाइफस्टाइल है मतलब वो उससे मेंटेन रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि अगर एक बंदा, यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सी कैटेगरी हैं, कुछ लोग मसल बिल्डिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, आपको पता है आजकल फैट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी इज़ अ डिज़ीज़, ओबेसिटी को ओवरकम करने के लिए यहाँ आते हैं, फैट रिड्यूस करने आते हैं, उसके बाद बहुत सारे मसले हैं, फिर चाहे वो आप टीनेजर्स में ले लें, यंगस्टर में ले लें, और हार्ट स्ट्रोक सबसे बड़ा जो बड़ा मसला यहाँ पर हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, आप देखें बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड, लाइफ स्टाइल, ये सब मैटर करता है। इसको ओवरकम करने के लिए तो हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया यहाँ पर कि हम लोगों को गाइड करें, सिर्फ ना के गाइड करें, उनको वो प्लेटफॉर्म दें, वो सजेशन दें, वो डाइट प्लान दें जिससे वो ना कि यहाँ टाइम दें, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने 1 आवर सेशन लेना होता है, 23 आवर उन्होंने अपनी अदर रूटीन्स के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं ऑफिस वाले, तो उसमें वो उन चीज़ों को ओवरकम करके मेंटेन करें अपने आप को। मेरा ये परसेप्शन नहीं है कि लोग यहाँ पर आएँ सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, या बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो अपने आप को इंटरनली, एक्चुअली आप इंटरनली स्ट्रांग होने चाहिए, ये मैटर करता है फिटनेस में कि आप बहुत सारी चीज़ों से, अभी देखें यंगस्टर को हार्ट स्ट्रोक हो रहा है,
क्यों हो रहा है स्ट्रोक? जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल एंड बैड जंक फूड, अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है, सेचुरेटेड ट्रांस फैट, ये सब हमारी डेली लाइफस्टाइल में ऐड हो चुका है, जिसकी बिना पर बैड कोलेस्ट्रॉल बनने के बाद लोगों को हार्ट स्ट्रोक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इस जिम की ओनर अस्मा, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या टाइमिंग है और ये किस तरह डील कर रहे हैं। जी अस्मा, बताइएगा किस तरह से आप लोग अपने क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है, पैकेजेस क्या हैं? फैसिलिटीज़ ज़्यादा रखी हैं यहाँ पर, जिमिंग भी है, योगा की क्लास भी हैं, एरोबिक भी है, क्रॉसफिट भी है, 360 भी है, और इसके अलावा जकूज़ी भी है हमारे, जो कि एरिया में अभी तक कहीं नहीं है, और सोना भी है, स्टीम भी है। आउटडोर बूट कैंप्स अलग हो सकते हैं, इंडोर अलग हो सकते हैं, और जंप रोप भी है, अभी जो इनॉग्रेशन ऑब्वियसली स्टार्टेड है, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गई। ये हमारे पास यहाँ लॉकर्स भी हैं, जहाँ पे लोग जो भी अपने सामान लाते हैं वो सेफ लॉकर में रख के उसकी कीज़ अपने पास रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग। और लॉकर रेंट पे भी होते हैं मंथली, ये इन्होंने रेंट पे लॉकर ले लिया, अपने जो भी इनका डेली का स्टाफ है, जैसे प्रोफेशनल लेडीज़ हैं जो ऑफिस से आती जाती हैं, साथ में शॉवर रूम्स भी हैं और जिसमें चेंजिंग रूम भी है, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। ये सारी फैसिलिटीज़ शामिल हैं, जो मॉर्निंग में हमारे यहाँ 7 o'clock से टाइम स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में हम 11:30 तक ये कंटिन्यू करते हैं, जिसमें इतने ऐसे लोग भी आते हैं ऑफिस से जो कि डायरेक्ट घर से आते हैं, यहाँ पर ही वर्कआउट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, शॉवर लेते हैं और डायरेक्ट यहीं से ऑफिस चले जाते हैं। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस एरिया में, सिंधी मुस्लिम के एरिया में, किसी और जिम में नहीं है। ओके, अच्छा, तो आप लोगों के जो मतलब इंस्ट्रक्टर हैं वो टाइमली चलते होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे बताइएगा कि मैं देख रही थी हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए, किसी भी एज के 13+ से लेकर आप लोग कर सकते हैं? जी जी, कोई मसला नहीं है एज का, क्योंकि ऑब्वियसली जो 13+ के हैं उनके वर्कआउट्स अलग हैं, सारे ट्रेनर्स प्रोफेशनल हैं, तो दे नो हाउ टू डील विद देयर एजेस, तो उन्हें पता है वो 13 एज ग्रुप को वही एक्सरसाइज कराएंगे जो आगे उनके लिए बेनिफिशियल है। ना उनकी हाइट रुकनी चाहिए, ना उनके बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज होना चाहिए, जिसकी वजह से फर्दर ऑन आगे जाके उन्हें कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, उनको भी आप लोग अलग से लुक आफ्टर कर रहे होते हैं? मेडिकल इश्यूज़ के लोग आते हैं कॉमनली, लेडीज़ में PCOS, थायराइड्स के इशू होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ऐसी लेडीज़ को हमने ट्रीट किया है जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि दे हैव टू लूज़ देयर वेट, और वो जिम्स देख रहे थे, बहुत सारे जिम्स में गए थे मगर उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आके उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव किया और अब वो जिस पोजिशन में है, एक होता है कि आपने अपनी अपना वेट लूज़ किया, लेकिन नहीं, आप जो हैं आप उससे खुश हैं, जो कि आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेज हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वर्कआउट सिर्फ बॉडी को टोन नहीं करता है, माइंड को भी फ्रेश करता है, तो ये चीज़ें काफ़ी, और दूसरा इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली है और लोग इतने अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं, सारे जो हमारी टीम है और जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब इतनी अच्छी बाउंडिंग है आपस में कि नए आने वाले को भी लगता नहीं है कि इसका फर्स्ट डे आज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह डील करते हैं जो लोग आपके जिम में आते हैं, किस तरह उनको टारगेट करते हैं, उनकी जो भी इनकी क्यूरीज होती हैं। सेकंडली, कौन से इस वक्त आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये आज के दौर की सबसे बेस्ट हैं? अच्छा, सबसे जो बेस्ट, आपको पता है फिटनेस अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, हमारे पास जो नई चीज़ है वो बहुत से जिमों में लॉन्च हो चुकी है, क्रॉसफिट। बॉडी बिल्डिंग और क्रॉसफिट, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, वेट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हमारे जिम में ये दोनों की फैसिलिटी आपको, मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, जिसने वेट ट्रेनिंग करनी है वो वेट ट्रेनिंग करेगा जिम में, और साथ कार्डियो भी है, लेकिन हमने एक चीज़ जो लॉन्च की है वो क्रॉसफिट है। आप बहुत से लोग आते हैं जिनको एक शॉर्ट पीरियड टाइम में अपना फैट लॉस करना होता है, ठीक है, और इस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होता है बेसिकली। एक्चुअली हम लोग अपने इस लाइफस्टाइल के साथ अपनी स्ट्रेंथ भी खो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला बन गया है, तो क्रॉसफिट से ये कि लोग अपनी स्ट्रेंथ को उनकी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं,
और इसके साथ साथ हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, ठीक है, इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास टाइमिंग्स भी हैं लेडीज़ की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लेडीज़ ट्रेनिंग के लिए भी आती हैं, लेडीज़ क्रॉसफिट ट्रेनिंग के लिए भी आती हैं, तो हमारे पास मतलब डिफरेंट टाइप्स के वो हैं। मुझे ये बताइए कि गेट फिट हेल्थ ट्रेनिंग जो आपका प्रोग्राम है या जो हमारा आपका स्टूडियो है यहाँ पे हेल्थ स्टूडियो, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आने वालों को आप देते हैं? जी, हमारे पास यहाँ पर जिमिंग की फैसिलिटी अलग है, स्टूडियो हमारा डिफरेंट है, उसके बाद हमारे पास स्पा फैसिलिटी भी है। बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ पूछते हैं कि स्पा आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सुहाना, जकूजी एंड स्टीम होता है, स्टीम बाथ। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो कि वो लेना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी हमारे गेट फिट हेल्थ क्लब में मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास कैफेटेरिया भी है, फ्यूल बार जिसमें स्मूदीज होती हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक होते हैं जो कि लोग ऑफिस से डायरेक्ट लोग आते हैं तो हम यहाँ उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास मील्स होते हैं अपने, ठीक है, कैलरीज के ऊपर हम मील तैयार करके लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो सारी फैसिलिटी हमारे पास। अच्छा, तो आपका पैकेज जो है वो बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है कि हर बंदा आ सकता है, इजीली ले सकता है? कोई पैकेज ड्रॉ किए हुए आपने, या आप समझते हैं कि वाकई इस महंगाई के दौर में आप लोग बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं एक अच्छे पैकेज के साथ? मैं ये समझता हूँ कि जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, एक बहुत रीज़नेबल पैकेज में कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है और एक फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं लोगों के साथ, तो हमारा यही मोटो है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और एक अच्छा स्टैंडर्ड डिवेलप हो और उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने बताया ये को जिम है, तो इस वक्त कितने आपके पास लोग आ रहे हैं, यानी इस वक्त कितने लोग होंगे आपके पास जो जिनको आप टाइम दे रहे हैं, और आपके जिम की टाइमिंग क्या है? अच्छा, बेसिकली हमारे पर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, और हमारा फ्लोर ट्रेनर यहाँ पर अलग होते हैं, और पीटी जो पर्सनल ट्रेनिंग वो मैं लेता हूँ, और फ्लोर ट्रेनर वो अलग आता हूँ, क्योंकि हर बंदा अपने फिटनेस गोल के हिसाब से आता है, तो किसी का वेट गेन होता है, किसी का फैट लॉस होता है, तो उसको टैकल करने के लिए हम डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, मील प्लान्स बनाते हैं, तो उसमें फ्लोर ट्रेनर हमारे पर डिफरेंट होता है और पर्सनल ट्रेनर डिफरेंट होता है। और मॉर्निंग टाइमिंग्स हमारे पास यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं हमारी, मॉर्निंग्स में भी हैं जेंट्स की, उसके बाद लेडीज़ की मॉर्निंग टाइमिंग्स हमारी हैं 11 AM to 4 PM, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, स्पेसिफिक लेडीज़ ही उसमें आती हैं, जो लेडीज़ जिनको इश्यूज़ होता है, जो को नहीं कर सकती, तो वो स्पेसिफिकली उस टाइम में आ सकती हैं। उसके बाद 4:30 to 11 PM ऑनवर्ड जो है हमारा को होता है, उसमें जेंट्स भी आते हैं और लेडीज़ भी आते हैं। व्यूअर्स, स्क्रीन पे मौजूद हैं इस जिम के नंबर जो कि गेट फिट जिम है, और यहाँ पे आपको आने के लिए यहाँ पे सिर्फ कॉल करनी है और सारी डिटेल्स ये आपको बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से, पैकेज फ्रेंडली है, और मतलब मैं नहीं समझती, यहाँ आके माहौल इतना अच्छा है, हर चीज़ आपको दी जा रही है। अच्छा अस्मा, मुझे बताइएगा कि हमारे व्यूअर्स में से कोई आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे, यहाँ रीच करना चाहे, तो किस तरीके से वो कर सकते हैं? देखिए, हमारा फेसबुक पे है पेज गेट फिट हेल्थ क्लब के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हम गेट फिट हेल्थ क्लब ऑफिशियल के नाम से, और एक फ़ोन नंबर है हमारा जिस पे लोग व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, 0300-202-5212। ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पे भी चला देंगे ताकि व्यूअर्स आपके लिए कोई मसला ना हो। और बहुत शुक्रिया अस्मा इतनी डिटेल में बताने का। एक डिटेल में और देना चाहिए जी कि अभी हमने वी हैव स्टार्टेड डाइट फूड आल्सो, ये कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए है कि उसमें जो भी हम डाइट फूड बना रहे हैं उसमें उसकी कैलोरी मेंशन है, तो अगर कोई हमें पहले से ऑर्डर कर दे कि हम 1000 कैलोरी का पर मील हमें डाइट प्लान चाहिए या डाइट फूड चाहिए, तो हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक के उसका मील प्रेप करके उसके घर पे डिलीवरी करते हैं। ठीक है, डिलीवरी का ऑप्शन भी साथ मौजूद है। ओ ग्रेट, आप पिकअप करना चाहे तो पिकअप भी कर सकता है, और डिलीवरी घर पे लेना चाहे तो डिलीवरी भी कर सकते हैं। ओके, तो आप उसमें पूरा कोलेस्ट्रॉल एंड कैलोरीज एंड एवरीथिंग, उनका टोटल मैक्रोज हमें पता होगा जो वो हमें खुद बताएंगे, जिसमें उनको फैट कितना लेना है, प्रोटीन और कार्ब कितना कंज्यूम करना है, उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान और उनका डाइट फूड हम तैयार करेंगे।
ग्रेट, साउंड्स गुड। तो वीवर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहूँगी मैं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें जब मिल रही हैं अपनी हेल्थ को लेकर और इस बिजी शेड्यूल में, तो वाई नॉट वी ट्राई टू इट। आपने ज़रूर आना है यहाँ, और हमारी स्क्रीन पे नंबर मौजूद हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडीज भी चल रही हैं, आपने इनको फॉलो करना है, यहाँ कॉन्टेक्ट करना है, और मज़ीद तफसीलात के लिए आपने यहाँ आना है और जानना है कि किस तरीके से बहुत ही मुनासिब पैकेजेस और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में तमाम वो चीज़ें जो आप चाहें और आपके लिए ज़रूरी हैं। तो यकीनन आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, जिस तरह की हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, यानी कि स्ट्रीट टाइम की टीम की कोशिश रहती है कि वो आपको यानी हमारे व्यूवर्स को हर उस जगह पे लेके जाए जो थोड़ी मुख्तलिफ हो, आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें। तो इसी तरह आज हम यहाँ आए थे और आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और आपको दिखाया बताया कि कितना अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, कितना अच्छा काम हो रहा है। तो आपने भी ट्राई करना है, आना है और हमें बताना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।